मैं रामिका और मैं आपकी मैथ की टीचर, और आज हम नंबर सिस्टम का अगला पार्ट करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, उन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 1/13, 2/13, 7/13, 9/13, 11/13, 4/13, इसे आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सभी में ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला भाग होता है हमारा। सभी में हर हमारा एक जैसा है, यानी कि सभी में हर हमारा 13। तो हर का मतलब क्या होता है, हर का मतलब होता है 13। 13 जो है उसका मतलब है जैसे कि 1/13 ले गया, तो इस 13 का मतलब है कि किसी भी एक चीज के पूरे 13 हिस्से किए होंगे। और ऊपर वाले अंश का मतलब होता है कि नीचे वाले हिस्से यानी 13 हिस्सों में से एक हिस्सा ले गया, तो वो हमारा होता है एक भिन्न, यानी कि इस भिन्न को हमने क्या किया, 13 हिस्सों में बांटा और उसके बाद एक हिस्सा लिया। वैसे भी 2/13 का मतलब होता है कि किसी भी चीज को 13 भागों में बांटा और उसमें 2 भाग ले लिया। 7/13 किसी भी चीज को 7 भागों में 13 भागों में बांटा और उसे 7 हिस्से उसके ले लिए। अब वो ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो ये सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसे कैसे करें। अब आप देख रहे हैं सबका हर है 13, यानी कि एक चीज को हमने 13 हिस्सों में बांटा, उसके बाद इसको हमने एक हिस्सा दे दिया, इसको 2, 7, 9, 11 और 4। जिसको सबसे कम हिस्से मिले वो सबसे छोटा होगा, जिसको सबसे ज्यादा हिस्से मिले वो सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम इनको आरोही क्रम में देखें, आरोही होता है हमारा छोटे से बड़ा, अवरोही होता है हमारा बड़े से छोटा। इसकी पहचान कैसे होती है, आरोही हमारा 3 अक्षरों से मिलकर 3 वर्ण से मिलकर बना है, आरो और अवरोही हमारा 4 से मिलकर बना है। जब ये 3 से मिलकर बना है तो ये छोटा है, तो ये छोटे से बड़े की ओर जाएगा। अवरोही 4 से मिलकर बना है तो ये बड़ा है, बड़े से छोटे की ओर जाएगा। तो आरोही करते हैं, सबसे छोटा क्या है इसमें हमारा 1/13, उससे बड़ा 2/13, उससे बड़ा 4/13, 7/13, 9/13, 11/13। सबसे छोटा हमारा जो भिन्न होगी, सबसे छोटी होगी हमारी 1/13, सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी 11/13। इसको अगर हम कोई क्रम में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, जैसे सबसे बड़ी भिन्न 11/13, उससे छोटी 9/13, उससे छोटी 7/13, फिर 4/13, 2/13 और 1/13। सबसे बड़ी होगी 11/13, सबसे छोटी होगी हमारी 1/13। जब आपको इस तरह से दिन दी जाती है तो उसमें सिर्फ आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। हमने ये बताया कि अगर आपके हर एक जैसे हैं बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अंश को देखेंगे। अंश अगर आपका बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी, अंश आपका छोटा है तो भिन्न छोटी होगी। तो इस टाइप का आप ऐसे ही करेंगे, तो आपके 4 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। जब इसे ऐसे करेंगे, एक और इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है, 5/18, 9/18, 15/18, 8/18। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें हर अलग अलग है लेकिन अंश एक जैसे है। तो इसमें जब अंश एक जैसे है, यानी कि एक चीज के पूरे आपने 18 हिस्से कर दिए, उसमें से 5 दे दिए, 9 दे दिए, 2, 15 और 8। तो बच्चों हम इसे कैसे करेंगे, सबसे छोटी होगी वो कौन सी होगी, 2 भाग दिए हैं तो
दो बटे अठारह सबसे बड़ी होगी हमारी, इसको सबसे ज्यादा भाग दिए हैं यानी कि वजन। आरोही क्रम होगा छोटी से बड़ा यानी दो बटे अठारह, पांच बटे अठारह, आठ बटे अठारह, दो बटे अठारह और पंद्रह बटे। अवरोही क्रम होगा हमारा पंद्रह बटे अठारह, नौ बटे अठारह, आठ बटे अठारह, पांच बटे अठारह और दो बटे। ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं जब हमारा अंश अलग अलग हो तथा हर एक जैसा। अब इसी का सेकंड टाइप करते हैं, इसमें सिर्फ दो ही टाइप होते हैं इसलिए हम सेकंड टाइप करेंगे। पहले टाइप में हमने देखा हमारे हर एक जैसे थे और अंश अलग अलग थे। अब जो अगला टाइप होगा उसमें आपके हर अलग अलग होंगे और अंश भी अलग अलग। जैसे तीन बटे पांच, चार बटे सात, दो बटे छह, एक बटे चार, तीन बटे चार। अब अगर इस बिन में आपसे क्वेश्चन, इस बिन में भी आपसे तीन ही चार ही क्वेश्चन पूछेगा। पहला सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, तीसरा आरोही क्रम है और चौथा अवरोही क्रम। तो अब हम क्या देखते हैं, अभी भी सबके जो घर है वो अलग अलग है क्योंकि उसके लिए एलसीएम लेने का एक तरीका होता है। हम क्या एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कुछ बहुत ज्यादा बड़ा पड़ता है तो उसके लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि दोनों दो संख्याएं लेते हैं। जैसे मैंने ले ली तीन पांच और चार और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करती है इसका इससे और इसका इससे। तो ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लेते हैं जैसे सात या इक्कीस, इक्कीस ये हमारा आ गया और पांच सौ बीस आ गया। तो जिसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई छोटा होगा वो आपकी छोटी बिन होगी, जिसका बड़ा होगा वो आपकी बड़ी होगी। अब हम इन दोनों में से देख रहे हैं तीन पाँच और चार सात में से इक्कीस आपकी छोटी बिन है वो बड़ी बिन है और बीस आपकी छोटी बिन है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पहले आप देखेंगे कि ये इक्कीस है और ये बीस है तो इसमें ये बड़ी होगी ये छोटी। अब अगर आपको सबसे छोटी निकालनी हो तो आप छोटी से भी देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छः चौक चौबीस सात तीन चौदह। अब इससे आपकी ये छोटी हो गई है चौदह, फिर आप दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आठ और छः, अब आपकी एक बटे चार छोटी हो गई है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छः एक छः चार किया बारह, ये आपकी छः और ये बारह, सबसे छोटी आपकी एक बटे चार हो गई। उसके बाद अगर आपको आरोही अवरोही क्रम में निकालना होगा तो इसमें आप संभव नहीं है तो आपकी ये सबसे बड़ी है ये उससे छोटी है ये उससे छोटी है, फिर आपको इनको आपस में भी चेक करना होगा तो वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उस प्रोसेस से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इसी को मैं दोबारा से लिखूं तीन बटे पांच, चार बटे सात, दो बटे छह, एक बटे चार और तीन बटे चार, ये हमारा क्वेश्चन था कि इसमें हमें पांच चीजें निकालनी है, चार चीजें निकालनी है, सबसे छोटा सबसे बड़ा आरोही और अवरोही। तो हम इसे कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि जो आपके भिन्न होते हैं वो कैसे परसेंट को आप भिन्न में चेंज करेंगे। वो आपका निकल रहा था यहाँ पे कि अगर जैसे एक है यानी 100% उसे हम करेंगे एक, 50% दो, एक बटे दो, एक बटे तीन को हम लिखेंगे एक, 33 सही एक बटे तीन, एक बटे चार को लिखेंगे 25%, एक बटे पांच को हम लिखेंगे 20%, एक बटे छः को लिखेंगे 16 से ही 2% 1/7
बटे नौ को लिखेंगे, 11 से ही 1 बटे नौ बनता है। 1 बटे 10 को लिखेंगे 10%, क्योंकि हमें याद होता है, हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये लिखेंगे 1 बटे 11 जो हमारा यूज होता है, 9 से ही 1 बटे 11। तो बच्चों हमें ये याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हम इनको बार बार देखेंगे और उसे ये हमारे याद हो जाते हैं। हमें ये नहीं है कि इसको कई बार लेके, एक बार ही कई घंटे के लिए लेके बैठ जाए और उनका रखना हमारे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। अब हम क्या देखते हैं, 100% बराबर 1, अगर 50% निकालेंगे 1/2, 33% 1/3 का मतलब होता है 33/3%, 1/4 का 25%, ऐसे हमारे ही आ गए। अब अगर हम इन्हें देखें तो ये भिन्न है क्या, तो पहले भिन्न है उन्हें क्या हुई, 1/5 × 3, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/5 को, 1/5 × 3, 4/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 × 4, 2/6 को हम लिख सकते हैं, या तो इसे काट सकते हैं 1/3, या फिर 2/6 को लिख सकते हैं 1/6 × 2, लेकिन हम इसे आगे करेंगे उसके बाद 1/4 को हम 1/4 लिख सकते हैं, 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 × 2, ये हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये वैल्यू याद हुई इस सभी को हमें करें, 1/5 होता है हमारा बच्चों यहाँ से 20, और 20 में 3 का गुणा, यह बना हो गया 60%। 1/7 होता है हमारा 14 से ही 2/7, और 4/7 का मतलब होगा 14 × 4 = 56, 56 से ही 8/7 यानी कि 57 से 1/7। उसके बाद 1/6 का मतलब हमारा होता है 16 से ही 2/3, यहाँ पे 2/6 का मतलब होता है 32 सही 4/3 यानी कि 33 सही 1/3। 1/4 का मतलब होता है 25%, और 3/4 का मतलब होता है 1/7 × 3 = 25 यानी। तो हम इसे देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, 75, तो सबसे बड़ा होगा 3/4, उससे छोटा होगा 3/5, उससे छोटा होगा 4/7, उससे छोटा 2/6, और उससे छोटा 1/4। ये आपका हो गया अवरोही क्रम। आरोही क्रम की बात करें तो इसका अवरोही हो जाएगा। सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 3/4, और सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 1/4। बच्चों ऐसे हम निकाल सकते हैं, इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको लिख के बताया है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में। अगर आप करेंगे तो आप डायरेक्ट इसका अनुमान लगा लेंगे कि कितना ये किस किस के आसपास, जैसे ये अगर आपको समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा और समझ में आएगा उससे। तो आपको अभी मैंने क्या बताया था, 1/9,
एक बटे नौ यहाँ से देखेंगे क्या होता है, 11 से एक बटे नौ, तो 4 बटे नौ क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 से ही 4 बटे, 1 बटे 11 होता है 9 से, 1 बटे 11, 2 बटे 11 क्या होगा 18 से ही 2 बटे 11, 1 बटे 5 होता है हमारा 20%, 3 बटे 5 होगा हमारा 60%, 1 बटे 3 होता है हमारा 33 से 1 बटे 3 और 2 बटे 3 होता है 66 से ही 2 बटे 1 बटे 8 होगा हमारा यहाँ से 12 से ही 1 बटे 2 और 3 बटे 8 होगा 12 से 36 36 से ही 3 बटे करें।